हे गाइस, आज की वीडियो में आप देखोगे चीई टाइमर की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी आप सब्सक्राइब का बटन दबा लो और चलो अब शुरू करते हैं। तो ये इसकी पैकिंग, ये मैंने क्यूब लेलो से ऑर्डर कराया है। इसका मुझे प्राइस पड़ा है 999, लेकिन मेरे इसको ऑर्डर कराने के दो दिन बाद ही इसका प्राइस 100 रुपये कम हो गया था। तो मतलब अगर अब आप इसको ऑर्डर कराओगे तो आपको ये 899 का पड़ेगा। तो ये इसका बॉक्स, भी देखने में काफ़ी अच्छा है। इसके पीछे प्राइस लिखा है 1799 का, जिससे देखने वाला बंदा भी खुश हो जाए, हाँ भाई मैंने सस्ते में मंगाया है, 1799 का है वैसे ये। तो अब इसको हम खोल लेते हैं। तो हमें मिलती है एक मैनुअल और साथ में ये क्लिप्स। तो हम क्यूबिंग मैट्स यूज़ करते हैं, उनमें ये क्लिप्स लगती हैं और उसके बाद ये जो टाइमर होता है, इनका जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये इन क्लिप्स में ऐसे अटक जाता है। तो उससे क्या होता है, ये जो टाइमर है हमारे मैट के साथ स्टिक हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्यूब ले लो में मैट्स देखी, जो सबसे सस्ती मैट थी ना, वो भी इस वाले क्यूब से महंगी थी, तो इसलिए मैंने अभी मैट्स मंगाई नहीं, देखते फ्यूचर में मंगाएंगे। तो अभी तो मुझे इसका कोई काम नहीं है, जब कोई मैट्स मंगाएंगे तो इसका यूज़ होगा। तो अब बात करें टाइमर की, इसका लुक काफ़ी अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इसकी डायमेंशन हैं 270x52x30 mm। तो इसका ये वाला जो एरिया है ये प्लास्टिक का है, देखो आप यहाँ पे साउंड भी सुन सकते हो। और ये यहाँ पे हमें टाइम दिखता है, ये हमारा पावर ऑन ऑफ बटन, हमें यहाँ पे अभी बैटरीज डालनी है, उसके बाद जब इसे दबाएंगे तो यहाँ पे 00 लिखा आ जाएगा टाइम। और ये रीसेट बटन, जब टाइम हम कर लेंगे तो इसको दबाएंगे। और ये सेव का बटन, और ये उन सेव टाइम्स को देखने का, तो इनका यूज मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हम अपने टाइमर को CS टाइमर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को पता हो कि हम अपने PC या फिर अपने लैपटॉप में CS टाइमर चलाते हैं, अगर आपको CS टाइमर के बारे में नहीं पता तो अभी जाओ अपने लैपटॉप में क्रोम पे जाके टाइप करो CS टाइमर, आपको पता लग जाएगा, वो क्यूबिंग का ही टाइमर है जो हम यूज़ करते हैं। CS टाइमर की एक डिटेल वीडियो मैं आगे ले आऊंगा, लेकिन इस वीडियो में तो मैं बस आपको यही बताना है कि ये टाइमर थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरे टाइमर से। जितने भी टाइमर्स हैं मार्केट में, जैसे कि YG हो गया, स्पीडस्टक टाइमर हो गया, सबको CS टाइमर से कनेक्ट करने के लिए हमें जो केबल चाहिए वो होनी चाहिए 2.5 to 3.5 mm की। मतलब जो 2.5 mm वाला होता है वो लगता है हमारे टाइमर में, और जो 3.5 mm वाला पार्ट होता है वो लगता है हमारे लैपटॉप या PC में, जिससे हमें CS टाइमर से कनेक्ट करना है। लेकिन ये वाला टाइमर डिफरेंट इसलिए क्योंकि इसका जो जैक है वो 2.5 mm का नहीं है, इसका जैक है 3.5 mm का। मतलब इसके लिए हमें जो केबल चाहिए वो होनी चाहिए 3.5 mm to 3.5 mm। और एक अच्छी बात भी है क्योंकि 3.5 to 3.5 की जो केबल होती है वो इजीली हमें मिल जाती है, और ये जो 2.5 to 3.5 वाली केबल है इसको ढूंढने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है, तो ये भी एक अच्छी बात है इस टाइमर में। तो आगे कोई वीडियो डालूंगा जिसमें मैं इस टाइमर को अपने CS टाइमर के साथ कनेक्ट करूंगा। तो अब इसको हम चला के देख लेते हैं, पहले इसमें बैटरीज डालनी है। तो इसमें हमें डालनी है 1.5 volt की AAA बैटरीज। अब हम इसको यूज़ करके देख लेते हैं, वही पावर ऑन ऑफ का बटन दबाया, ये स्टार्ट हो गया। जब ये ग्रीन वाली लाइट जल जाएगी इसका मतलब अब टाइमर रेडी है। देखो अब इस तरीके से हमारा ये टाइम आ चुका है, अब हम इसको रीस्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद फिर से टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले रेड लाइट जलती है, उसके बाद जब ग्रीन लाइट जलती है तब हमारा टाइम स्टार्ट होना होता है। रेड जली, अब ग्रीन जली, देखो थोड़ी बाद में जलती है ग्रीन, और जब ग्रीन जलती है हमें तब अपना हाथ हटाना होता है, फिर टाइम स्टार्ट होता है। बस जब रेड, जहाँ पर रेड लाइट जलेगी मतलब उतना एरिया काम करता है, ये साइड भी काम कर रही है। तो काफ़ी अच्छा है, लगभग इतना एरिया काम करता है, बस साइड का ये एरिया है जहाँ पे हमारा हाथ तो सही है, टाइम हर बार रुकेगा, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। और अब बात करें इन दोनों बटन्स की, तो जैसे कि हमारा ये टाइम आया और हमें इसको सेव करना है, तो हमें क्या करना है, इसको एक बार दबाना है, और इसको एक बार दबाने के बाद यहाँ पर टाइम 1 लिखा आएगा। तो ये जब टाइम 1 लिखा आ जाएगा उसके बाद इसको एक बार और दबाना है और हमारा टाइम सेव हो जाएगा। फिर वापस इसको दो बार दबा दो और हमारा टाइम 0 हो गया। अब इस टाइम को देखने के लिए ये वाला बटन दबाएंगे, तो देखो यहाँ पे टाइम 1 लिखा गया, ये जो हमने सेव किया है। इसी तरीके से हम 3 times सेव कर सकते हैं, जैसे कि टाइम 1 ये है, इसको एक और बार दबाएं तो ये टाइम 2, एक और बार दबाया तो टाइम 3। तो इस तरीके से हम 3 times सेव कर सकते हैं। अब अगर हम एक टाइम और सेव करना चाहें तो हम क्या करेंगे, जैसे कि टाइम ले आते हैं, देखो अब जैसे कि हमें इस टाइम को सेव करना है तो हमें क्या करना है, एक बार फिर सेव बटन दबाना है। तो अब यहाँ पे टाइम 1 लिखा आ रहा है, अगर हमने फिर से सेव बटन दबा दिया, जो 0.95 वाला टाइम है ये 0.46 वाले टाइम की जगह सेव होगा। मतलब हमने जो पिछला टाइम सेव किया था वो टाइम 1 में था ना, अब हमें इसको टाइम 2 में सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले टाइम 2 ले आएंगे, इसको एक बार दबाया और यहाँ पे टाइम 2 आ जाएगा, आ गया। तो अब ये वाला जो टाइम है हमारा 9 वाला, ये टाइम 2 पे सेव होगा। अब एक बार फिर इसको दबाया और ये सेव हो गया। अब वापस ये दबा देते हैं दो बार, हो गया। अब देखो ये है टाइम 1, ये है टाइम 2,
और टाइम थ्री हमने सेव नहीं किया है। इसी तरीके से हमें कोई टाइम डिलीट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 00 रखेंगे स्क्रीन पर और फिर सेव वाले बटन पर जाएंगे। अब क्या हुआ, स्क्रीन पर 00 वाला था, अब ये टाइम 1 आ चुका है। अब इसको फिर से दबाया, हो गया टाइम 100। अब टाइम 2 भी ऐसे डिलीट कर सकते हैं हम। तो शायद मैं इतने अच्छे से समझा नहीं पाया, हो सकता है आप कन्फ्यूज ही हो गए हो, लेकिन इसके साथ मैनुअल दे रखी है, उसमें अच्छे समझ आ जाएगा देख के। ये देखो यहाँ पे पूरी मैनुअल दे रखी है, इंग्लिश में है, और अच्छे समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हमें टाइम सेव करना है। टाइम 1, टाइम 2 और टाइम 3 इसमें पूरा बताया हुआ है। तो बात आते हैं कि हम कौन सा टाइमर लें, YJ टाइमर या फिर GE टाइमर। तो मुझे लगता है कि हमें GE टाइमर ही लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लुक थोड़ा सा लगता है कि हाँ YJ टाइमर का ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि YJ टाइमर का जो ये वाला पार्ट है जहाँ पे हमें हाथ प्रेस करना होता है, वो रबड़ का है थोड़ा सा, शायद मैंने कहीं सुना था, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यही अच्छा लगा क्योंकि इसका लुक ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं कितना चलता है, मुझे तो लगता है कि ये काफ़ी चलेगा, क्योंकि जो कंपनी है उसने ये क्लेम किया है कि इसको हम गिराएंगे भी हाइट से तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ऐसी क्वालिटी है तो काफ़ी टाइम तक चलेगा, लगता तो ऐसा ही है। A few inches later, आओ टीप हम लगा के देखते हैं इसमें, सही टाइम है ना टीप हम का। ऐसी अब और भी प्रैक्टिस करूंगा मैं सारे अपने PLL। वैसे शायद मुझे PLL का काम भी नहीं आई, मैं रो की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। चलो वो सब छोड़ो, तो अब इस टाइमर की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें। मैं इसको पिछले 2 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो ये टाइमर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा भी आया, अभी नया नया आया है तो इसको यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो मैं तो आपको ज़रूर ये टाइमर रिकमेंड करूँगा, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और इसको हम बस हमें बस हल्का सा प्रेस करना है। देखो मतलब जैसे कि आपने अपने हाथों को हल्का सा छोड़ रखा है ना, तो तब जितनी फोर्स लग रही है उसकी भी आधी फोर्स लगानी है आपको इस, तो ये काफ़ी सही है, टाइम भी एकदम एक्यूरेट आ रहा है, मज़ा आ रहा है यूज़ करने में। ज़रूर लो और मज़े करो। तो मैं भी क्यूब चलाता हूँ, आप लोग भी क्यूब चलाओ। बाय।